हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। एसडीएम ज्योति मौर्य लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब जो पहले सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे वो ज्योति मौर्य पे खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य बेवफा हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे थे, साफ तौर पर ज्योति मौर्य पर शिकंजा कसा जा रहा था, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ज्योति मौर्य ने ये ठान लिया है कि अब आलोक मौर्य का सच वो सबके सामने लाती हुई नजर आएंगी। मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने वाले आलोक मौर्य की सच्चाई जो है वो अब सबके सामने आने वाली है, क्योंकि ज्योति मौर्य सबूत लेकर के जो है वो उनका ये कहना है कि आलोक मौर्य झूठ बोल रहा है और कोर्ट में वो इसके सबूत जरूर दिखाएंगी। यहाँ पर बड़ी बात ज्योति मौर्य साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि आलोक मौर्य दहेज के लिए मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान करता था, और इसके अलावा जो पूरा परिवार है आलोक मौर्य का वो भी लगातार जो है वो ज्योति मौर्य को परेशान कर रहा था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर ज्योति मौर्य के जो जेठानी है उन्हें भी उनका साथ मिला है। ज्योति मौर्य की जो जेठानी ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो आलोक मौर्य के का पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं दहेज उत्पीड़न उनके साथ भी करता था, वो भी FIR दर्ज करवाएंगी। ये बड़ी बात उनको वो कहती हुई नजर आ रही। तो साफ तौर पर अब आलोक मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर ज्योति मौर्य की कोर्ट में बड़ी जीत होगी, क्योंकि कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं इस बड़ी खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।